हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोनीपत जिले की खबर के साथ। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच नेशनल हाईवे 1 यानी कि सोनीपत स्थित ढाबों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में व्यक्ति जाकर खाना खाते हैं और वहीं सोनीपत के कुछ ढाबों में कोरोना के केस पाए गए हैं, जिसके चलते सोनीपत के जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने सभी ढाबा मालिकों को दिशा निर्देश दिए हैं, जो व्यक्ति ढाबे पर आए उसका पूरा रिकॉर्ड ढाबा मालिक के पास होना चाहिए ताकि ट्रेसिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल जिले में 1124 एक्टिव केस चल रहे हैं और 42 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सोनीपत हरियाणा में तीसरे नंबर पर है। तो वहीं प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच खबर पंचकुला से सामने आ रही है, जहां 24 घंटे में 40 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। पंचकुला सिविल अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंचकुला में मौजूदा वक्त में करीब 1700 कोरोना ग्रस्त मरीज सक्रिय हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग की ओर से इलाज किया जा रहा है और वहीं पंचकुला में अब तक करीब 3000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही पंचकुला में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का कुल आंकड़ा 32 पहुंच गया है। जसजीत कौर ने बताया कि ये 40 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला के विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों के रहने वाले हैं। हमारे अभी तक 40 मरीज ही पॉजिटिव आए हैं और टोटल केसेस पंचकुला में अब 3000 से ऊपर हो गए हैं और उसमें से लगभग 1700 जो केस हैं वो हमारे एक्टिव केसेस चल रहे हैं। इनको ज़्यादातर इनमें से होम आइसोलेशन में है किसी एसिम्प्टोमेटिक। जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और वैसे ही सरकारों की ओर से लोगों को कई राहत देनी भी शुरू की गई। इसी बीच कोरोना महामारी के चलते 5 महीने से ज्यादा वक्त तक बंद रही मेट्रो आज से पटरी पर लौट चुकी है। हालांकि मेट्रो प्रयोग करने के नियम काफी सख्त हैं। फिलहाल मेट्रो की सेवा को सुबह 7 से 11 बजे के बीच और शाम को 4 से 8 बजे के बीच पीक आवर्स के मद्देनजर चलाया गया है और वहीं मेट्रो सेवा को कैसे सुरक्षित किया जाए इसको लेकर डीएमआरसी की ओर से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग के बगैर किसी भी शख्स को मेट्रो कॉरिडोर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइजर करके ही आगे भेजा जा रहा है। गुड़गांव से 30,000 को हाँ सही हो रही है। अभी एंट्री करते ही उन्होंने क्या नाम है, पहले थर्मल स्क्रीनिंग किए, बैग को सैनिटाइज किया, हाथ सैनिटाइज करके एंट्री हुई। यस यस डेफिनेटली इट्स वेरी सिक्योर, ट्रेसिंग इज वेरी गुड एट एवरी पॉइंट, सैनिटाइजिंग एट एवरी प्लेस, इट्स वेरी वेरी नाइस। स्टे सेफ, डीएमआरसी इज ऑल प्रिपेयर्ड, डोंट वरी। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आम व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और खास व्यक्ति भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दीपेंद्र हुड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का हर वर्ग पर असर पड़ रहा है। हल्का बादली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बरसात के कारण किसानों की ज्वार, बाजरा, कपास की सभी फसलें करीबन नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान है ही नहीं। मैंने गांव-गांव जाकर देखा है और किसानों की समस्याएं सुनी है, लेकिन अभी तक गिरदावरी भी नहीं हो पाई है। ओम प्रकाश धनखड़ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो लोगों को जुमलेबाजी सुनाते हैं और जिले को ग्रांट ना देने के चुटकुले सुना रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ गिनवा दे कि ये भी हमने जिला झज्जर के लिए बीजेपी ने ये बड़ा काम कर दिया, ठीक है मैं मानता हूँ, बादली में बोला सब डिवीजन बना दिया और उसकी एक ईंट लगी आज तक, बोला मैंने थाने बना दिए एक ईंट लगी, बाईपास की बात करता था आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने के अलावा उसने उस टाइम में हुड्डा साहब ने किया था कि एम्स हॉस्पिटल जो 11 इंस्टीट्यूट हमारे थे उसको रोक पाया, क्या करेगा, करने की तो नियत ही नहीं है, ये आज उसकी नियत, ये बिल्कुल लोगों के सामने आ गया। बादली की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया और जिला झज्जर आने वाले समय में हरियाणा की जनता, मैं आज आपको कह रहा हूँ।
विश्व समभाव दिवस, वो दिवस जिसमें सभी को एक भाव से देखने का जिक्र करते हैं, संदेश देते हैं लोगों को कि सभी को एक समान माने, सभी के साथ एक समान व्यवहार करें और मानवता के मूल्यों का पालन करें और अपने कर्तव्यों का मानव होने के नाते तहे दिल से निर्वहन करें। विश्व समभाव दिवस की मंगलमयी संध्या पर समभाव समदृष्टि की महत्ता को दर्शाते ऑनलाइन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका यूट्यूब फेसबुक से प्रीमियर प्रसारण किया गया। हजारों की संख्या में प्रधानाचार्यों, अध्यापकों, बच्चों और जन सामान्य से ऑनलाइन आयोजित इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया और सभी ने आनंद भी उठाया और अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दिया जाए ये संदेश भी दिया। राजनीति, शिक्षा, खेल और मेडिकल क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस अवसर पर विद्यालय जाने वाले छात्रों में मानवीय गुणों की मजबूत नींव स्थापित करने के लिए ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही इस शुभ अवसर पर छठे मानवता ई ओलंपियाड की परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 2.25 लाख रुपए तक की धनराशि के इनाम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तो पांचवी से आठवीं की श्रेणी में सम्मानित किया गया तनीषा राणा डीएवी स्कूल ऊना, ब्रजेश कुमार लवली रोज पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, अवनी जैन सीकेसी एकेडमी झांसी, तनीष राणा डीएवी स्कूल ऊना, ब्रजेश कुमार लवली रोज पब्लिक स्कूल नई दिल्ली पांचवी से आठवीं की श्रेणी में सम्मानित हुए। इन छात्रों के नाम है ये, अवनी जैन सीकेसी एकेडमी झांसी से, तनीष राणा ऊना से डीएवी स्कूल, ब्रजेश कुमार लवली रोज पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से, अवनी जैन सीकेसी एकेडमी झांसी से। नौवीं से बारहवीं की श्रेणी में सम्मानित हुए अवधेश कुमार वर्मा लवली रोज पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से, शुभम पांडे आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़ से, अंकुर विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू लोहरिया से, अवधेश कुमार वर्मा लवली रोज पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से, शुभम पांडे बल्लभगढ़ के स्कूल से, आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल से, अंकुर विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अवधेश कुमार वर्मा नई दिल्ली के लवली रॉस पब्लिक स्कूल से, शुभम पांडे बल्लभगढ़ के आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से, अंकुर विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू लोहरिया से। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल आपको बता दें लड़कियों का गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ रहा। इसी के साथ बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी नई दिल्ली रहा। अवधेश कॉलेजिएट रामगढ़ कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ऊना, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल बता रहे हैं आपको डीसी मॉडल स्कूल सेक्टर 7 पंचकूला। और होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एनआईटी 5 फरीदाबाद, लड़कियों का गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 अध्यादेशों का लगातार विरोध चल रहा है। लगातार किसान इन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। सरकार की ओर से लगाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी को लेकर किसान 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करेंगे। गोहाना की अनाज मंडी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों और आढ़तियों को रैली का न्यौता दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लेकर आ रही है, जिससे किसानों के साथ साथ आढ़तियों को भी नुकसान होगा। आज भी किसानों को C2+50% के अनुसार फसलों का MSP नहीं मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके किसान किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सरकार ने MSP पर खरीद को बंद कर दिया तो खेती किसानी के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। देखिए जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं, इनसे
पूरा हरियाणा का देश का किसान, देश का मजदूर, देश के मंडी में काम करने वाले सारे भाई, आड़ती, छोटे व्यापारी, इन सब का धंधा चौपट होगा। सरकार ने जो नीति खड़ी कर रही है वो चंद पूंजीपतियों को सारा मुनाफा, जितना हमारे बीच के लोगों का मुनाफा होता है वो सारा चंद पूंजीपति ले जाएंगे। और जैसे दाल का हुआ था कि 50 रुपए किलो में खरीदी थी और 200 रुपए किलो में बेची थी, वो बीच का 150 रुपए मुनाफा एक ही आदमी ले गया। जो बीच का मुनाफा अगर सभी लोगों के जो ढांचा है, जो आज का ढांचा, अगर इस तरह का ढांचा हो तो फिर ना तो काला बाजारी होगी और ना किसान पीटेगा, ना उसका ये है कि उसको बिल्कुल इसको। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना संक्रमित होने के बाद लोग तमाम हिदायतों का पालन भी कर रहे हैं। इसी बीच अम्बाला से खबर है जहां अम्बाला छावनी नगर परिषद कार्यालय 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हो गया है। कार्यालय में सेक्रेटरी राजेश कुमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण पब्लिक डीलिंग 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा ने बताया कि कल शाम को उन्हें सेक्रेटरी राजेश कुमार के साथ फोन पर बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है और वो भी कार्यालय नहीं आएंगे। अभी कल शाम को सेक्रेटरी साहब का मेरे पास मैसेज आया था, फोन पे बात हुई थी तो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, उनके फैमिली मेंबर्स की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो प्रिकॉशनरी मैंने उनसे रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं मैंने उनको क्लोज करने के लिए कहा है। वो बेसिकली सारी ब्रांच पब्लिक डीलिंग से रिगार्डिंग है, ठीक है, हाउस टैक्स हो या हमारा रेंट ब्रांच हुआ, ठीक है, कुछ सेक्रेटरी साहब का जो है, तो मैंने उनके स्टाफ को भी मैंने 2 दिन के लिए वही क्वारंटाइन अपने आपको क्वारंटाइन रखें और इसी वजह से पब्लिक डीलिंग मैंने 2 दिन है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का बुलेटिन में फौरन लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कोरोना संक्रमण की और इसी के साथ प्रदेश की सभी खबरों से आपको मुखातिब करा रहे हैं। ये खबर जो है फिलहाल करनाल से सामने आई है और करनाल की राजीव कॉलोनी में कुछ शरारती तत्वों ने 3-व्हीलर को आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। कुछ दिन पहले गली में 2 युवकों की नशे की बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद एक दूसरे युवक ने पूरे मामले की थाने में शिकायत करवाई और आरोपियों का मामले में चलान हो गया। लेकिन एक बार फिर से उन्हें युवकों ने मामला वापस लेने का दबाव बनाया और ना मानने पर पीड़ित युवक के 3-व्हीलर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। रवि नाम के लड़के ने आग लगाई है जी मेरी गाड़ी में, जो कि अपराधी किस्म का लड़का है, वो नशा वगैरह करता है। 3-4 महीने पहले उसने मुझे चक्कू भी मारा था। अच्छा, और उसके बाद हमें अब तक फैसले के लिए प्रेशराइज कर रहे थे कि फैसला कर लो वरना जान से हाथ धो जाओगे। तो उस दौरान अभी इसने ये काम कर दिया। रात को मैडम ने देखा उसको गली में खड़ा था वो, इन्होंने मुझे बताया नहीं ताकि कहीं ये ना हो कि हमारी हाथापाई हो जाए, दोबारा कोई ऐसी वो कर दें आजकल। तो अब उसने फिर आग लगा दी इतने में। और वहीं फतेहाबाद में मौसम की मार के चलते लगातार किसान परेशान नजर आ रहे हैं और किसान विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की यहां नरमे की फसल खराब हो गई है, जिसको लेकर कई गांव के किसान इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों ने सीएम के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। और वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किस्त बैंक में कटवा रखी है, बावजूद इसके बीमा कंपनी खेत का सर्वे नहीं कर रही है। किसान खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सर, हम गांव मणगांव से आए हैं, हमारी नरमे की जो फसल है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है, इसकी उचित कार्रवाई हमें मुआवजा दिलाया जाए, ये ज्ञापन देने आए हैं सर एडीसी को। तो कितनी फसल आपकी बर्बाद हो चुकी है और क्या मांगा है? 80% फसल बर्बाद है मणगांव की, और जी सरकार से हमें यही हमारी गुजारिश है जो बीमा हुआ है उसका हमें उचित मूल्य दिया जाए। दिखा प्रदेश में आज सभी विद्यालयों में सभी भाषाओं की शिक्षा दी जा रही है और ये जरूरी भी है ताकि आज के
बच्चे हर भाषा में पारंगत बने। इसी बीच सोहना के बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की जाएगी। इस स्कूल को जल्द ही CBSE के साथ एफिलेटेड किया जाएगा, जिसमें जल्द ही छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते थे लेकिन निजी स्कूलों में ज्यादा फीस होने की वजह से पढ़ने में असमर्थ थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल को मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाकर बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि अब उन गरीब परिवारों के भी छात्र छात्राओं को कम फीस में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा जो निजी स्कूलों में ज्यादा फीस होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ थे। सोना में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड के साथ है, जो इसको गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया गया है। इसी तरह से तावड़ू का भी एक स्कूल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया है। हरियाणा सरकार ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है, हमारे विधायक जी के प्रयासों से ये सफल हुआ सारा कार्य। अब इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ सकेंगे और इसमें जो स्टाफ आएगा वो भी सारा इंटरव्यू देके टेस्ट देने के बाद ही आएगा, वो प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी। फिर बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो भी टेस्ट के द्वारा ही बच्चे इस कोरोना काल के दौरान मनरेगा मजदूर भी रोजगार न मिलने के चलते परेशान और दुखी नजर आए। इसी बीच रतिया के भरपूर और चंदोखला में मनरेगा में काम नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। मजदूरी न मिलने से खफा सैकड़ों मजदूरों ने BDPO कार्यालय के सामने अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया और मनरेगा में बड़े स्तर पर खबलाबाजी का आरोप लगाया। जिला परिषद सदस्य रामचंद्र सहनाल के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई और साथ ही मजदूरों की मजदूरी और काम नहीं मिलने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन काम देने का प्रावधान है लेकिन यहां ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। ये नरेगा का काम मांगने पर काम नहीं देना और जो पिछले दिनों से नरेगा के साथ प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है, 5.5 लाख का घपरा जो भरपूर में इन्होंने किया है उसकी बकायदा जांच की जाए। कल्ले कल्ले नाम का इन्होंने कल्ले कल्ले का बताया हुआ है इसमें भी कितने पैसे किसके खाते में जमा है, उसकी बकायदा पारदर्शिता से उसकी जांच हो और जिसपे जो इसका दोषी है उसको कार्रवाई की जाए उसके विरोध में। पूर गाँव में इन्होंने 5 लाख रुपए का जो AVPO जई और मेट्रो द्वारा जो घोटाला किया नरेगा में वो इन्होंने लोगों ने पकड़ लिया, नजायज हाजिरी लगी थी, उसकी जांच करने की बजाय उल्टा इनको सजा दे रहे हैं। 1 महीने से मस्टोल नहीं निकाल रहे, मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा और सच्चाई यहाँ ये है कि ना तो BDO है और जो AVPO है चाहे वो नागपुर का है चाहे रतिये का है, उन्होंने पंजाब में मछली का बीज लगाने का कारखाना लगा रखा 15 एकड़ में, फतेहाबाद में बड़ा शोरूम है उनका, मछली का बीज बेचते हैं, लेकिन यहाँ नरेगा का मजदूर रतिये इलाके का आज भूखे मरने की नौबत पर है। 6 दिन का मस्टोल देते हैं, सिर्फ 2 दिन काम चलता है। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ, नमस्कार।